Just hold on. Let me explain something to you. फिल्म मेकिंग में कंटिन्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जब आप कोई फिल्म या इंटरव्यू शूट करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सीन सेट करें और करेक्टर्स को उस स्पेस और टाइम में एस्टैब्लिश करें ताकि व्यूअर्स उस एक्शन को समझ सकें। और फिल्म मेकिंग में सबसे बेसिक कंटिन्यूटी रूल है 180 डिग्री रूल। व्हाट्स अप यू फिल्मी पीपल, मैं हूं आकाश सीकरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिल्म ज्ञान के एक और एपिसोड में। वन एटी डिग्री रूल दो करेक्टर्स के बीच की इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को रेफर करता है और जैसा कि हम इस सीन में देख सकते हैं, करेक्टर्स के बीच में सेम लेफ्ट और राइट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप 180 डिग्री रूल फॉलो नहीं करते हैं या इंटेंशनली तोड़ते हैं तो जो करेक्टर कैमरा के लेफ्ट में फेस कर रहा होता है वो अचानक से राइट में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके व्यूअर्स गुमराह हो सकते हैं। लेकिन आप क्रिएटिवली 180 डिग्री रूल को ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि हम इस सीन में देख सकते हैं कि करेक्टर DEA की इंस्पेक्शन से बेचैन हो जाता है। तो बेचैनी की भावना दर्शाने के लिए इस सीन में करेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। और फिल्म पेपर मून के इस सीन में हम देख सकते हैं कि इसमें रूल ब्रेक करेक्टर के बीच के प्रभाव में बदलाव को दिखाने के लिए किया गया है। The onion ain't no good without relish. Well, then if you ain't my pa, I want my $200. Now, you just hold on a second. I want my money. You took my $200. Will you quiet down? You hear? I want my $200. Hold on. और आप कैमरा मूवमेंट या फिर न्यूट्रल शॉट को जोड़कर 180 डिग्री लाइन को बेंड भी कर सकते हैं, जैसा कि हम इन सीन्स में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फिल्मी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि मोटिवेट करेगा मुझे ऑसम कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए। तब तक के लिए कुछ बढ़िया फिल्म्स देखिए और बनाइए।